हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्मिशियन एंड इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। देखो क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है। क्या होता है, इसमें जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। इसमें हमारे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं ना, उसमें से कोई एक एलिमेंट भी अगर हमारा इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसी को कहते हैं हम क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, किसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है तो उसमें कॉन्जुगेट की बात आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आई से पहले सिंबल है वो प्लस या माइनस का, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या होता है, अपोजिट में चले जाता है। प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का, ये बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। फिलहाल देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है ये दोनों, दोनों की दोनों कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये भी स्क्वायर होती है, ये भी स्क्वायर होती है। लेकिन क्या होता है, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, पहले क्या लेना है उसका, क्या लेना है मुझे, क्या ये क्या बताता है, ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज लेने के बाद पहले जो मैट्रिक्स देखी है उसका फिर मैं लूंगा क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर इतना काम करने के बाद उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं रहता, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर रहती है, उसी को कहते हैं हम क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही काम हम इसके में करते हैं, पहले ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं हम, जो इसका कॉन्जुगेट है वो फाइंड करते हैं। लेकिन इतना काम करने के बाद वो मैट्रिक्स अगर माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे कहते हैं हम क्या, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स। आगे देखो और क्या, बस इतना ही करना। अब देखो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं, बस ये थोड़ा सा ज्ञान देना था। यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखो, शो दैट ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और आई ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले हमें क्या करना है, ए जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन के लिए क्या कंडीशन होती है, अभी हमने पीछे पढ़ी कि अगर उस मैट्रिक्स का मैं पहले ट्रांसपोज लूँ, चलो ट्रांसपोज लेते हैं, लो इसका ट्रांसपोज। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज कितना आया, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो का कॉलम बना देते हैं, या कॉलम का रो बना देते हैं, बात एक ही है। चलो रो का कॉलम बनाते हैं, माइनस वन आया है यहाँ पे, टू प्लस आई, फाइव माइनस थ्री आई, पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तो टू माइनस आई सेवन, फाइव आई, ये फाइव प्लस थ्री आई माइनस फाइव आई, और ये टू आ जाएगी, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, बना दिया पहली रो को हमने क्या बना दिया, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। आगे क्या करेंगे, इसका इसके बाद क्या कर क्या बोलता है कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स आई है ट्रांसपोज के बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ। अब देखो अगर वो इसके इक्वल आ जाता तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं होगी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो भी आई से पहले का सिंबल है वो अपोजिट कर देना है। तो माइनस वन, ये टू माइनस का आई के आई से पहले, अब आई माइनस का तो कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आई से पहले का सिंबल को ध्यान से देखना है और कुछ नहीं, जो रियल पार्ट है उससे कोई मतलब नहीं, इमेजिनरी पार्ट है बस उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे फाइव प्लस थ्री आई, तो आई से पहले ये जो ये तीन है प्लस का, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आया, टू प्लस आई, यानी टू माइनस आई हो जाएगा, आई से पहले का सिंबल अपोजिट कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो सेवन है। यहाँ पे देखो पांच से पहले क्या, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस पांच आई, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का आई से पहले पांच, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा दो। देखो एक चीज और बता दो, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, जो डायगोनल का एलिमेंट है होते हैं ना वो रियल होते हैं हमेशा। देखो यहाँ पर माइनस वन सेवन टू, इसमें रियल थे ना, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो दोनों, ए और ये वाली जो हमने ली थी मैट्रिक्स, वो दोनों इक्वल आई है, यानी यहाँ पे देखो माइनस वन टू प्लस आई माइनस फाइव थ्री माइनस आई पहली रो में, दूसरी रो भी सेम मैच कर रही, तीसरी भी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, ए जो है हमारा किसके इक्वल है, इसके, अगर इसके इक्वल आता है हम वो क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, आई ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो आई ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे।
चलो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इस क्यू वाले के लिए करते हैं। इस क्यू वाले के लिए करते हैं, वहां पे क्या कह रहा, आई नहीं ए मैट्रिक्स नहीं, कौन सी मैट्रिक्स, आई ए मैट्रिक्स। आई ये तो एक नई मैट्रिक्स होगी क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है चलो पहले क्या करते हैं, जो वो मैट्रिक्स है उसको फाइंड करो। आई ए एक नई मैट्रिक्स है तो आई ए नई मैट्रिक्स फाइंड करो यहाँ से, तो आई ए। ठीक है आई ए, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, नया नाम दे दो, क्या नाम दे दो, बी मैट्रिक्स कह सकता हूँ मैं। ठीक है तो आई ए, आई से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वन में आई के मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, माइनस का आई आ जाएगा। ठीक है इसमें कितना हो जाएगा, ये दो आई प्लस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मैं यहाँ पर बता दूँ, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस का वन होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो मैं इसका क्या कर देता हूँ यहाँ पर लगा ही देता हूँ। ठीक है ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं, हर जगह माइनस आई स्क्वायर, जहाँ पर आई स्क्वायर आएगा उसकी जगह माइनस वन लिख दूंगा। अगर देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पांच आई माइनस का तीन आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की माइनस तीन में माइनस वन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का तीन। ठीक है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दो आई माइनस आई स्क्वायर, यानी दो आई माइनस आई स्क्वायर करूंगा तो माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस 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 वन कितना हो जाएगा, प्लस का वन। ठीक है आगे हो जाएगा सेवन आई, ये हो जाएगा फाइव आई स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस माइनस वन, पाँच आई प्लस तीन आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की जगह अगेन माइनस वन रखो, ये माइनस पाँच आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन लगाऊंगा तो माइनस पाँच की माइनस वन से की तो पाँच ही आ गया, ये हो जाएगा टू आई। ठीक है अब ये आ गई, तो मुझे बी मैट्रिक्स को क्या करना, हार्मिशियन मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना, तो हार्मिशियन के लिए मुझे पता क्या क्या आना चाहिए, जो हमारा मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज लेने बाद कंजुगेट लिए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव हो बी मैट्रिक्स, देखो यही आना चाहिए तभी हम मानेंगे कि वो क्या हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पहले इसका ट्रांसपोज लो, लो जो इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो का कॉलम बना दो, माइनस आई टू आई माइनस वन, पांच आई प्लस तीन, ये हो जाएगा दो आई प्लस एक, दो आई प्लस एक, ये हो जाएगा सेवन आई, ये हो जाएगा माइनस का पांच, ये हो जाएगा पांच आई माइनस एक, ये होगा पांच और ये दो आई। ठीक है रो का कॉलम में चेंज कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, जो मैटर चाहिए उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब आई से पहले का साइन माइनस का कर देना, सॉरी अपोजिट कर देना, यहाँ पर आई का से पहले माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आई, यहाँ पे टू आई है आई ये प्लस का, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का टू आई, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई से ये पाँच आई है तो ये माइनस पाँच आई हो जाएगा, जो रियल पार्ट है सेम ही आ जाएगा, ये माइनस दो आई प्लस एक, माइनस दो आई प्लस एक कह सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का सात आई। ठीक है आई से पहले का सिंबल क्या कर देना, अपोजिट कर देना, रियल वाले में तो कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे ये माइनस पाँच आई प्लस तीन, ये माइनस का पाँच आया, दो आई से पहले क्या था, माइनस का दो आई आया। ठीक है अभी आ चुका, अब ये क्या किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का बी के, तो ये भी देख लेते हैं भैया, माइनस बी ये तो आ गया, अब मैं बी मैट्रिक्स में क्या कर रहा हूँ, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बी मैट्रिक्स ये है मेरी ऊपर वाली। ठीक है इसमें क्या करूँगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई, माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दो, मुझे माइनस बी चाहिए ना, तो माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा मुझे बता, माइनस बी यानी इसमें माइनस वन की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया वन आई, सॉरी ये कितना आ जाएगा, माइनस दो आई प्लस एक, माइनस दो आई प्लस एक, ये कितना जाएगा, माइनस पाँच आई, माइनस वन की मल्टीप्लाई कर रही है ना, माइनस पाँच आई माइनस तीन, हर एक में करेंगे ये माइनस दो आई माइनस एक हो जाएगा, माइनस दो आई माइनस एक। ठीक है आगे देखो, ये हो जाएगा कितना, माइनस का सेवन आई, ये हो जाएगा प्लस का पाँच, ये हो जाएगा माइनस पाँच आई प्लस एक, माइनस का पाँच आई प्लस एक, ये माइनस का पाँच, हर एक में माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का दो आई। अब मैच करो, देखो क्या मैच कर रहा है, आई आई
माइनस दो आई प्लस एक, माइनस दो आई प्लस एक, माइनस पांच आई माइनस तीन, और सॉरी ये तीन है, ये वन कहाँ से आया, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये यहाँ से आया था, ये इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके, यहाँ ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये वाले जब इसमें माइनस आई की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आई की मल्टीप्लाई करेंगे, जब पाँच आई माइनस तीन होगा तो ये माइनस माइनस वन गलती से लिख दिया, ठीक है, पाँच आई माइनस तीन, ये तो पाँच आई और ये दो आई रहने वाला, जब इसका ट्रांसपोज लिए होंगे तो ये क्या होगा, ये क्या कहाँ पहुँच गया होगा, यहाँ पे पहुँच गया होगा, पाँच आई माइनस वन तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करा, इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद ये कितना जा, माइनस माइनस का पाँच आई माइनस का तीन, ठीक है, माइनस तीन तो सेम ही रहेगा ना। अब देखो इस वाले इसमें क्या करना, मुझे इसमें जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है माइनस वन की मल्टीप्लाई की है तो ये हो जाएगा माइनस पाँच आई प्लस का तीन, ठीक है। अब देखो कंपेयर करना शुरू करते हैं, अब इक्वल है ना, आई माइनस दो आई प्लस एक माइनस पाँच आई माइनस तीन, ठीक है, दोनों इक्वल है, पहले रो इक्वल है, माइनस दो आई माइनस दो माइनस दो आई प्लस वन, यहाँ पे क्या रहा हमारा, अभी माइनस आ रहा है, ठीक है, इससे चेक करो, और ये सेवन आई, ये पाँच, ठीक है, ये इक्वल आ रहे, ये माइनस पाँच आई प्लस तीन और ये माइनस पाँच, ये ठीक है, माइनस दो आई, तो ये सेकेंड रो में गड़बड़ है थोड़ी, इसको चेक करते हैं, जब सेकेंड रो में माइनस वन की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस सेवन आई हो जाएगा भैया, ये माइनस का पाँच है ना, यही होना चाहिए ना, जब माइनस वन की मल्टीप्लाई करूंगा, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, अब ये ध्यान से देखो मिस्टेक क्या है यहाँ पे, जब इसका हमने क्या कह रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड किया है, जब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे क्या आएगा, माइनस दो आई माइनस वन, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, माइनस दो आई प्लस वन, समझ आई गलती, ठीक है, इस तरह से गलती होती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ये इसी प्लस माइनस की गलती तो सबसे ज्यादा रहती है, ये ध्यान देना, माइनस दो आई माइनस वन, ये हो गया कितना, माइनस सेवन आई, ये फाइव। अब यहाँ पे देखो माइनस वन की मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे माइनस पाँच में मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन की, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का पाँच। अब देखो सारे मिलाओ पूरी इसका रो को, पहले रो तो ठीक है, सेकेंड रो भी क्या हो गई, अब देखो ठीक ही हो गई, माइनस सेवन आई प्लस पाँच, थर्ड वाली बोला माइनस पाँच आई प्लस तीन, माइनस पाँच और माइनस दो आई, इस तरह से करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, अब क्या कह सकते हैं, ये तो इसकी हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इतना ही करना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी से, हमें क्या करना, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करना, ए जो मैट्रिक्स है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स का मैं बता दूं क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स का हम उसका पहले ट्रांसपोज लें, फिर उसके बाद क्या लें, कॉन्जुगेट लें, अगर इन दोनों ही मल्टीप्लाई करने पे वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम क्या कहते हैं उसे, वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही हम क्या करने शो करने वाले हैं, इसका मतलब हम लेफ्ट साइड लेंगे इसकी, राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे, तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ये वाले फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, तो फाइंड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये ए इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, रो का कॉलम में चेंज कर दो, ये आ जाएगा वन वन प्लस आई, और ये आ जाएगा माइनस वन वन माइनस आई माइनस का वन। अब इसका क्या करना है मुझे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, बाहर का नंबर है वो रियल है, इमेजिनरी होता ना इसके साथ आई होता तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करते, रियल है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, उसमें ट्रांसपोज में ना कॉन्जुगेट में, अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो इसका बस ले लो कॉन्जुगेट वन, ये आई से पहले माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो आई से पहले माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वन। अब क्या करना, ये वाली मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स इन दोनों ही मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटू उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए मैट्रिक्स कितनी है, वन अपॉन स्क्वायर रूट तीन, वन वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस का वन, ठीक है, और उसकी कितनी है, वन अपॉन रूट थ्री
वन वन प्लस आई वन माइनस आई माइनस का वर्ग ये आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट से करो तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है तो 1/3 को मैं लिख दिया यहाँ पे बाहर। यहाँ पे करो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं अगले की, मैंने मल्टीप्लाई करना आता होगा। ठीक है इस वाली रो की इस वाले में करो, फिर इस वाली रो के अगले कॉलम में करेंगे इस टाइप से। तो ये कितना आ जाएगा, पहले इसकी की तो 1, ठीक है, और 1 की 1 में की तो 1 आ गया। आई प्लस 1 की आई माइनस 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, आई प्लस यानी 1 माइनस आई स्क्वायर यही होने वाला है। ठीक है आई प्लस 1 की आई माइनस 1 स्क्वायर से करेंगे। आगे करो 1 की 1 प्लस आई से करो तो 1 प्लस आई आ जाएगा सेम, और आई प्लस 1 से माइनस 1 की करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 1 माइनस का आई। ठीक है बात समझ आई। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई करो इन वाले दोनों कॉलम में, पहले इसमें करो फिर अगले कॉलम में, तो 1 माइनस आई की 1 से करेंगे तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं। माइनस 1 की इससे करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस आई। ठीक है आगे इस वाले में करते हैं तो 1 माइनस आई की 1 प्लस आई से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये माइनस 1 की माइनस 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो ये कितना आ गया 1/3, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे आई से आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 0, 1 से 1 कैंसिल, आई से आई कैंसिल तो ये 0 बचा। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, 3 का अंदर क्या कर दो डिवाइड कर दो क्योंकि इसमें डिवाइड में है वो, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। ये क्या होती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये क्या करना था मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बस इतना कुछ करना था, यूनिटरी मैट्रिक्स है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हर्मिशियन मैट्रिक्स और उनमें ये यूनिटरी पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।